हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम BHEL भेल के नाम से भी जानते हैं। 40 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज शेयर में कुछ खासा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो शेयर ने बढ़िया पैसा कमा कर दिया है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि 40 रुपए का क्या ये छोटा शेयर जो है उसमें खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स 40 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड करा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 8.5% की बढ़िया रैली आई है। इस बीच 35 रुपए का लो है और 40 से 41 रुपए के आसपास का हाई बना है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 20% की गिरावट है, लेकिन आप देखिए 58 रुपीज का जहाँ हाई था उसके बाद कंटिन्यू से शेयर में गिरावट बनी, और कोरोना के चलते, पेंडेमिक के चलते ऐसी गिरावट आई कि 20 रुपए तक शेयर टूट गया। और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो बना के एडवाइस कर रहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, अब यहां से आपको एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जब शेयर 22 रुपए के ऊपर था अप्रैल महीने में, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बढ़िया रैली आपको देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जब शेयर 27 रुपए पर भी आया था जून महीने में, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी करने का अभी भी मौका है, खरीदारी करते रहो, शेयर में आपको एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, और खरीदारी की है तो बने रहो। और आप देख सकते हैं कि आज शेयर 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें तो एक बड़े लेवल से टूट कर ये शेयर आया है। 3 साल की मैं बात करूँ तो 3 साल में 104 रुपए के लेवल से टूट कर ये नीचे आया है। अब धीरे धीरे सिचुएशन इनके लिए अच्छी हो रही है। रीजन ये है कि कोरोना के चलते और अभी हमारा जो भारत और चाइना का जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से इंडिया क्या कर रहा है कि जो चाइनीज इम्पोर्ट है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी ऐसी है, इंडियन कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसे में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से एक ऐसी कंपनी है जो एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव के तौर पर साबित हो सकती है अगर हम चाइनीज कंपनियों को टक्कर देना चाहते हैं, या फिर चाइनीज कंपनियों से सामान अगर हम कम इंपोर्ट करें और इंडियन कंपनियों से हम ज्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करें या फिर खरीदने की कोशिश करें, तो एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से एक बढ़िया कंपनी के तौर पर उभर कर सामने आ सकती है। और ये बात खुद कही है वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उन्होंने ये बात खुद कही है। और उनके इस ट्वीट के बाद एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी इस शेयर में। मिड कैप शेयर है ये, 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में अगर हम देखें तो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करूं तो 63.17% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 5.09% की होल्डिंग FIIs के पास है, 5.87% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.91% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है। तो प्रमोटर मतलब सरकारी कंपनी, तो पहली चीज तो यहाँ पर ये कि कभी भी ये कंपनी बर्बाद नहीं होगी। सरकार या तो इसमें रिफॉर्म करेगी या तो फिर सरकार इसको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे देगी, दोनों ही सूरतों में इस कंपनी का फायदा ही है। प्रमोटर के पास मतलब सरकार के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, 63.17% की होल्डिंग है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये होल्डिंग देखने को मिली है। आप देखिए यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 19 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, मतलब 5.87% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। FIIs के पास 139 FIIs ने पैसा लगाया है और 5.09% की होल्डिंग FIIs के पास है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में आपको देखने को मिलेगा LIC, एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर LIC ओन करता है, 10.07% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग LIC के पास देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.97% के आसपास है और डिविडेंड भी पे कर रहा है 60% का, मतलब पर शेयर आपको 1.20 रुपए मिल रहे हैं, और पिछले साल सितंबर महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था। अब देखते हैं कि इस साल डिविडेंड पे करते हैं कि नहीं। BHEL के बारे में अगर मैं मनी कंट्रोल में सिचुएशन दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार इसकी दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और 8% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 92% लोगों का कहना है कि बढ़िया मौका है, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है, और बड़ी रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हर रोज आपको कोई ना कोई नई ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि भैया जर्मन की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो
BHUL के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है और कम से कम $1 बिलियन का निवेश तक कर सकती है। अब देखिए जर्मन्स, अगर मैं कंपनी का नाम ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊं, कि रिहन मेंटल्स इन टॉक विथ BHUL, और यूपी में वो इस प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट का प्लान है तकरीबन $1 बिलियन का। तो देखिए जर्मन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है ये, और वो सेटअप करना चाहते हैं अपना स्टॉक उत्तर प्रदेश में और पार्टनरशिप करना चाहते हैं BHUL के साथ इंडियन मार्केट में। तो काफी बड़ी ये न्यूज है, अगर ये वाकई में आने वाले दिनों में सक्सेसफुल हो जाता है तो याद रखिए BHUL को एक बहुत बड़ी कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए द डेसल्ट रॉफ हेडक्वार्टर कंपनी में इन्वेस्ट ओवर $1 बिलियन इन उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर अकॉर्डिंग टू द, देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, लेकिन मनी कंट्रोल ने इस कहा है कि भैया हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। और कंपनी जो जर्मन कंपनी है उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ये भी कहा है कि अभी इसके बारे में, इस कोलोब्रेशन के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और BHUL के साथ अभी तक कोई इंडियन, अभी तक अगर हम कहें तो कोई उनकी तरफ से भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन अच्छी हो और कंपनी में एक नया दमखम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सके। मार्च क्वार्टर में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इसको, आप देखिए 1535 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, लेकिन उससे पहले अच्छा खासा मुनाफा था, 150 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2019 के क्वार्टर में, सितंबर 2019 के क्वार्टर में 113 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले जून 2019 में 224 करोड़ का लॉस हुआ था। अब देखिए जून के नतीजे अभी तक आए नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये नतीजे आए और अच्छे नतीजे आए ताकि एक बड़ी रैली हमें यहाँ पर दोबारा देखने को मिल सके। प्रमोटर यानी कि सरकार के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, 63.17% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिली है, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, 5.09% की होल्डिंग FIIs के पास है, 5.87% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.91% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो छोटा शेयर है, लेकिन एक बड़ा धमाका आने वाले दिनों में ये शेयर कर सकता है। मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, सरकारी कंपनी है तो पहली चीज तो कि डूबेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं। हाँ थोड़ी अप्स एंड डाउन आती रहेगी, मैं यही कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो आपके पास एक बढ़िया मौका है, अपॉर्चुनिटी होगी और ज्यादा खरीदारी करने की। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है बने रहो, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। अगर आपको यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदो फिर वेट करो, अगर गिरावट आए और 200 शेयर की क्वांटिटी ऐड करो फिर वेट करो, गिरावट आए और थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो वेट करो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, ऑलरेडी खरीदारी की है और यहाँ से थोड़ी सी गिरावट अगर आती भी है तो और थोड़ी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये वो शेयर है जिसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, अप्स एंड डाउन आती रहेगी। 42 रुपीज तक का भी इसने हाई बनाया था बीच में, लेकिन वापस ये शेयर नीचे भी टूटा। आप यहाँ देखिए 43 रुपीज तक ये शेयर पहुंचा था ठीक है, लेकिन बाद में वापस नीचे भी गया था। तो पेशेंस होना आप में जरूरी है, कम से कम 1 साल का प्लान हो निवेश का तो ही यहाँ पर एंट्री करे, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ ओवर द टाइम शेयर आपको एक इसी तरीके से स्लो लेकिन एक अच्छी तेजी दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का है तो ही एंट्री करें, शॉर्ट टर्म का नजरिया है यानी कि महीने 2 महीने का नजरिया है तो मित्रों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई बड़ा अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि लंबी अवधि का प्लान लेके चलिए, जरूर आपको यहाँ पर फायदा होगा और हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाइए। तो शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि 45 का टारगेट होना चाहिए यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म में आपको 55 से 60 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि BHUL भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।